और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार, मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं। हूं तमारो स्वागत करूं। तमाम साम की कम छो मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रैली है। आप सबान थन फिर सी राम राम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण के लिए खपा दिया, वे जीवन भर आदिवासियों के जीवन के लिए सामाजिक संगठन के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में एक समर्पित आदिवासियों के सेवक के रूप में रहे। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर, इसका सम्मान श्री मंगूभाई पटेल के खाते में जाता है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, एल मुरुगन जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी सांसदगण, विधायकगण और मध्य प्रदेश के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने आए जनजाति समाज के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है।
इसने हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ, आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा शायद देश भर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। आपने अपने नृत्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तुत किया, शरीर चार दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी, सचमुच में वे शिक्षित है कि हमें अभी सीखना बाकी है। आगे कहते हैं, मौज मस्ती में उम्र बिता दी, जीवन सफल नहीं किया, अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा खूब किया, घर में उत्पाद भी खूब किया, जब अंत समय आया तो मन में पछताना व्यर्थ है, धरती खेत खलियान किसी के नहीं है। देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है, धरती खेत खलिहान किसी के नहीं है, अपने मन में गुमान करना व्यर्थ है। ये धन दौलत कोई काम के नहीं है, इसे यहीं छोड़ के जाना है। आप देखिए इस संगीत में, इस नृत्य में जो शब्द कहे गए हैं वो जीवन का उत्तम तत्व ज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया है। इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है, इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है, इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है।
साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना से पहले ही अनेक बीमारियों का मुफ्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है, देश के गरीबों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। दुनिया के पढ़े लिखे देशों में भी टीकाकरण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीकाकरण के महत्व को समझता भी है, स्वीकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इससे बड़ी समझदारी क्या होती है? 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है। सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जनजातीय समाज के सभी साथियों का वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सचमुच में यह अपने आप में गौरवपूर्ण घटना है। पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोगों ने मेरे इन आदिवासी भाइयों से बहुत कुछ सीखने जैसा है। साथियों, आज यहां भोपाल आने से पहले मुझे रांची में झारखंड भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। हम सभी इनके ऋणी हैं, हम सभी इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी इस विरासत को संजोकर उसे उचित स्थान देकर अपना दायित्व जरूर निभा सकते हैं।
भाइयों और बहनों, आज जब मैं आपसे अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं तो देश के प्रख्यात इतिहासकार शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे जी को भी याद करूंगा। आज ही सुबह पता चला वे हमें छोड़कर के चले गए, उनका देहावसान हुआ है। पद्म विभूषण बाबा साहब पुरंदरे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को सामान्य जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है वो अमूल्य है। यहां की सरकार ने उन्हें कालिदास पुरस्कार भी दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को बाबा साहब पुरंदरे जी ने देश के सामने रखा, वो आदर्श हमें निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। मैं बाबा साहब पुरंदरे जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य, उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। साथियों, भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा। ABP News, आपको रखे आगे।